स्टॉक में कहीं करेक्शन आता है, मैं तो बल्कि ये अच्छा समझूंगा, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़े हल्के होंगे, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी स्टीप है, दो मार्केट लीडर है, बट मैं वैल्यूएशंस अगर थोड़े हल्के होते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर बनते जाएगा। जी चलिए, इस बीच बात करते हैं सोमानी सिरेमिक्स के नतीजों के बारे में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ज्वाइंट एमडी मिस्टर अभिषेक सोमानी मौजूद हैं। सर, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस समय यू नो मार्केट है सॉर्ट ऑफ अप्रिशिएटेड, जो नंबर्स आए हैं अभी तक वो, या फिर जिस तरह का रिएक्शन हमने स्टॉक पे देखा है, बट आर यू सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, जिस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, या फिर डू यू सी अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट स्पेशली ऑन द मार्जिन साइड गोइंग फॉरवर्ड अगले एक दो क्वार्टर में? अभिषेक जी, सुन पा रहे हैं आप हमको? मिस्टर अभिषेक नहीं, आई थिंक हमारा मिस्टर सोमानी से अभी तक संपर्क नहीं बना है, कुछ देर में अगर आप देखें और बात करने की कोशिश करेंगे। अगर इस क्वार्टर में देखें, अप्रोक्सीमेटली आया 12% बढ़कर करीब 459 रुपए रही, और वहीं अगर आप बॉटम लाइन के फ्रंट पे देखें, इस क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली जो बॉटम लाइन था, मुनाफा था, करीब 32% बढ़कर लगभग 14.7 यानी करीब 14.5 करोड़ रुपए रहा। लेकिन जहां तक एबिटा मार्जिन का सवाल है, वो इस क्वार्टर में मोर और लेस फ्लैट ही रहे, हार्डली 10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट था वहां पर, वर्सेस आई थिंक 6.7, 6.8 अगर आप देखें एबिटा मार्जिन रहे। मिस्टर सोमानी, आप हमको सुन पा रहे हैं? ओके, एज फार एज बॉटम लाइन इज कंसर्न, अगर आप देखें सर, इस क्वार्टर में काफी अच्छा खासा हाइक देखा गया, टॉप लाइन में अप्रोक्सीमेटली 12% का इजाफा था, लेकिन एबिटा मार्जिन के फ्रंट पर आप देखें काफी फ्लैट रहे हैं, और की फैक्टर्स क्या रहे इस क्वार्टर के? सो एबिटा मार्जिन तो हमारा एक तरीका है नहीं देखने का, इट इज पीबीटी मार्जिन भी लुक एट, बिकॉज हमारा करीब 60% मैन्युफैक्चरिंग इज फ्रॉम आउटसोर्स एंड जॉइंट वेंचर, जहाँ पे डी और आई दोनों नहीं है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो उसके हिसाब से तो काफी अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ पीबीटी एंड पैट, और ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ फॉर द ईयर हैज बीन 22% एंड 12% फॉर द क्वार्टर। सर, गोइंग फॉरवर्ड दो चीजें, एक तो आपका आउटलुक क्या है, यू नो बिकॉज देर इज अ सेंस दैट विद फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स गोइंग फॉरवर्ड, ओवरऑल जो हाउसिंग सेगमेंट है उसमें सुधार देखने को मिल सकता है, और दूसरा ये जो हाइजीन और सैनिटेशन के ऊपर सरकार का इतना फोकस है इन टर्म्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, इसे आप अगले 2-3 क्वार्टर में क्या और इफेक्टिवली प्ले आउट होता देख रहे हैं ऑन द डिमांड साइड? स्वच्छ भारत अभियान से तो बहुत धीरे धीरे ही होगा जो हो रहा है, ऑफ कोर्स ग्राउंड लेवल पे डेफिनेटली काम हो रहा है, बट वो ओवर द क्वार्टर दिखने मिलेगा, कोई एक क्वार्टर में कोई ऐसे ही कोई जंप नहीं आने वाला है। एंड एज फार एज द इंटरेस्ट रेट इज कंसर्न, अगर कोई एक बहुत सब्सटेंशियल डिक्रीज करते हैं तो उससे डेफिनेटली हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगी। एग्जैक्टली Q1 को लेकर आपका आउटलुक क्या है, एग्जैक्टली Q1 Q2 में मार्जिन की जो डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी? सर, कैन गिव यू अ डायरेक्शन पूरे साल का, तो पूरे साल का डायरेक्शन है करीब 16% ग्रोथ, और मार्जिन पे करीब 0.5% इंक्रीज इन पीबीटी मार्जिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, अपनी राय रखने के लिए यहाँ पर। तो ये देखिए, ये क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ आप देखें मार्जिन काफी फ्लैट था, लेकिन उन्होंने FY16 को लेकर अगर आप देखें कुछ अपनी गाइडेंस दी है। खैर, इस स्टॉक पे मैं लौटूंगा एक बार, लेकिन प्राइस बिहेवियर पहले एक बार जरा इंट्रोडे देख लेते हैं इसका। करीब 7 रुपए ऊपर नतीजों के बाद ऊपर आया, फिर डिक्लाइन, फिर नीचे आया, अब महज 8.5 रुपए ऊपर। आपने सुना अभी इनफैक्ट FY16 की गाइडेंस को सिद्धार्थ, और इस क्वार्टर के अगर आप देखें हाईलाइट्स को भी सुना, एग्जैक्टली आपकी राय क्या होगी एट प्राइस ऑफ 417? आप इंटरेस्टेड हैं नंबर्स के बाद Q1 प्रोस्पेक्टिव से आप खरीदना चाहेंगे Q2 प्रोस्पेक्टिव से? देखिए, कम्प्लीटली सेरेमिक सेगमेंट बहुत स्ट्रांग प्ले आउट कर सकता है आने वाले टाइम में। पिछले क्वेश्चन में जो आपने पूछा था एशियन पेंट की तरह, ये भी कंपनी एक अर्बन कंजम्पशन बेस्ड कंपनी है, क्योंकि कजेरिया सेरेमिक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और जो ग्रोथ नंबर्स इन्होंने दर्शाए हैं, हो सकता है कि अगर इकोनॉमी में रिवाइवल और अच्छे हो जाए, इंटरेस्ट रेट कट हो जाए, डिमांड बढ़े, तो मैं मानता हूं कि इनके जो ग्रोथ गाइडेंस है इनको भी बीट कर सकते हैं, आशा करते हैं कि ये बीट हो सके। तो उस हिसाब से मैं मानता हूं कि डेफिनेटली एक एक्युमुलेशन करना चाहिए, बट अगर इसके हिस्ट्री पे जाए